नमस्कार दोस्तों, हम UPS लालपुर राजपुर के अध्यापक हैं और हमारे वहाँ एक एक्टिविटी होती है अभिभावक प्रेम संवाद, जिसमें टीचर जो है बच्चों के घर में बात करते हैं और पता करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। हर हफ्ते शनिवार को एक्टिविटी कराई जाती है, इससे अभिभावक और शिक्षक का संवाद बढ़िया से होता है और बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ता है और स्कूल में उपस्थिति भी बढ़िया रहती है। तो हम एक नंबर ले रहे हैं, कक्षा 6 का एक बच्चा है, उसके घर हम कॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है उसके घर से। तो हमने कॉल कर लिया है, एक लड़की है सुधी और उसके पिता का नाम है कमलेश, तो देखते हैं फोन उठा के क्या कहते हैं वो। हेलो, नमस्ते भैया। अरे आपके स्कूल से बोल रहे हैं, बिटिया के UPS लालपुर राजपुर से, सुभी के स्कूल से। नमस्ते भैया, ये बताइए बिटिया घर में पढ़ती है? सुबह पढ़ती है, शाम को सुबह पढ़ती है, शाम को पढ़ती है? अच्छा, और कोई विद्यालय से शिकायत है आपकी? विद्यालय की कोई शिकायत है, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो कभी आप आ जाया करिए स्कूल में टीचरों से मिलने। हाँ, तो बीच बीच आ जाया करिए, इससे सही रहता है, पता चले कि आपको ही पता चले कि बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ रहा है और हमको ही पता चले कि बच्चा स्कूल से जाने के बाद घर में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। ठीक है, नमस्ते भैया। हेलो, हाँ नमस्ते भैया, आप गुड़िया के घर से बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन, गुड़िया के फादर बोल रहे हैं क्या, पिता बोल रहे हैं? नहीं नहीं, पंकज बोल रहे हैं उनके भाई। अच्छा पंकज, पंकज पापा से बात करा दो। पापा तो नहीं, मम्मी है, मम्मी है, मम्मी से बात करो। हम स्कूल से बोल रहे हैं, गुड़िया पढ़ती है ना यहाँ पे कक्षा 8 में? तो हमें ये पता करना था, हम लोग एक सबसे पता कर रहे हैं कि स्कूल की पढ़ाई से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, और गुड़िया घर में पढ़ाई करती है कि नहीं? घर में पढ़ाई करती है? अच्छा, और स्कूल से जा कर के ये सुबह उठ के पढ़ाई करती है कि स्कूल से जाती है शाम को तब घर पे करती है? अच्छा, सुबह उठ के नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा, और जो स्कूल की पढ़ाई है उससे आप लोगों को क्या कुछ कहना है कि स्कूल में पढ़ाई होती है, अच्छी होती है, ख़राब होती है, आप लोग उसे संतुष्ट हैं नहीं हैं? चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते भैया, ठीक है, स्कूल से बोल रहे हैं बिटिया की, लालपुर राजपुर स्कूल से, जूनियर। अच्छा बताए बिटिया पढ़ रही है, घर में पढ़ती है? अन्य लक्ष्मी पढ़ती है, लेकिन अब आप बीच में उसको नानी के वहाँ लंबे समय के लिए भेज दिए थे भैया। तो
हाँ खैर आप, हाँ तो आप मत भेजिएगा क्योंकि बिटिया पढ़ने में अच्छी है, मेहनत करा जाएगा तो बहुत अच्छे आगे निकलेगी। अच्छा ये बताइए घर में पढ़ती है बिटिया, कितनी देर पढ़ती है? अच्छा कभी आप जो स्कूल में लिखाया जाता है कभी सुनिए उससे, देखिए कुछ सुना पाएगी कि नहीं, टाइम दीजिए थोड़ा बिटिया को। और कोई शिकायत है स्कूल से आपको? नहीं तो ठीक है भैया। और हाँ बीच बीच में स्कूल आ जाया करिए ताकि पता चले बिटिया घर में पढ़ती है कि नहीं, हमको ही पता चले कि आपको ही पता चले कि स्कूल में कैसी है। ठीक है भैया, ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, भैया यूपीएस लालपुर राजपुर स्कूल से बोल रहे हैं, बिटिया के स्कूल से आपकी माँ ही। अरे पता करना था बिटिया घर में पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? पढ़ती है। और कभी सुनिए जो लिखाया जाता है वो याद करती है कि नहीं? याद करती है गुरुजी, लेकिन छोटा वाला लड़का जो है हमारा, हाँ रिशव, हाँ हाँ उनका पढ़ाई आते नहीं। अच्छा उल्ली गलिया है, पढ़ नहीं पाओगे फिलहाल माही। तो बिटिया ठीक है, पढ़ने में आपकी मेहनत करने की जरूरत है थोड़ा ज्यादा, और पढ़ने में तो बढ़िया है। हाँ उत्कर्ष भी ठीक है, मेहनत की जरूरत है। और सुबह याद वाद करती है कि नहीं सुबह उठ के? देखिए हम लोग लिखा रहे हैं, मेहनत तो की जा रही है, लेकिन अगर आप घर में मेहनत करें तो बिटिया और अच्छी पढ़ने में हो सकती है। और विद्यालय आ जाए कभी कभी मिलने टीचर से कि बढ़िया बिटिया जो है स्कूल में पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, पढ़ाई में कैसी है, थोड़ा हमको पता चले, थोड़ा आपको ही पता चले कि पढ़ाई का इसे तालमेल रहेगा और बच्चे पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाएंगे कि हाँ पढ़ाई कैसी जा रही है। अरे आज के ज़माने में भैया मोबाइल के ज़माने में 2 मिनट 3 मिनट फ़ोन तो घुमाना ही रहता है। हाँ तो अब आप समझते ही हैं कि बच्चों से इम्पोर्टेंस दुनिया में तो कुछ है नहीं भैया। हाँ तो टाइम तो थोड़ा बहुत निकालना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है भैया, नमस्ते भैया। हेलो जितेन जी बोल रहे हैं? हाँ यूपीएस लालपुर राजपुर से। मास्टर साहब बोल रहे हैं आंशी के क्लास टीचर। ये बताइए कि आंशी जो हैं घर पे कितनी देर पढ़ाई करती हैं? घर पे शाम को पढ़ाई करती हैं लगभग 1 घंटा। 1 घंटे? हाँ थोड़ा सा टाइम बढ़वाइए क्योंकि 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, कई सब्जेक्ट कवर करने रहते हैं क्योंकि कई चीज़ें पढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि इसको हम सुनेंगे तो सही ढंग से सुना नहीं पाते, इसलिए उनका टाइम बढ़वाइए, कम से कम 2 घंटे से शुरुआत करवाइए और बाकी आगे उसका टाइम और बढ़ाते रहें, तभी अच्छा रिस्पांस मिलेगा।
और आप भी कभी कभी चेक कर लिया करिए, स्कूल में भी आके चेक कर लिए। हालांकि ठीक है, ध्यान देती है, तो हम लोग तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का विशेष फोकस जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अंकुल जब से निकल गए कभी आप आए नहीं इधर। नहीं, इस चीज़ को आप एकदम स्ट्रिक्टली कह दीजिए कि कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़ा करें, और ऐसा फिर आप तो चूंकि पूछें कि आज आपने क्या पढ़ा, जब भी फुर्सत मिले आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया। होता यह है कि बच्चे कुछ लिखने वाला काम कर लेते हैं तो गार्जियन ये समझता है बच्चा मेरा पढ़ रहा है, जबकि लिखने वाला काम तो ऐसे ही हाथ मजबूत हो रहा है, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो मन में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ नमस्ते, आप विशाल के घर से बोल रही हैं? विशाल के घर से बोल रही हैं? हाँ नमस्ते, विशाल की मम्मी बोल रही हैं? नहीं, उनके दीदी बोल रहे हैं। दीदी बोल रही है। अच्छा, मम्मी पापा कोई हैं घर में? पापा चौराहे पर हैं, मम्मी आने को वहाँ गई हैं कुटिया पे, बाबू से ले ना। अच्छा जी, मतलब आप दीदी बोल रही हो, आप पढ़ती हो? जी मैम, पर अच्छा। आप पढ़ाई नहीं करते, पढ़ के छोड़ चुके। अच्छा, ये विशाल घर पे पढ़ाई करता है कि नहीं? हाँ करता है, पर कितने कितनी कितने देर तक पढ़ता है? शाम में पढ़ाई करता है, सुबह जल्दी उठता नहीं है, शाम में अच्छा। करता है। ये विशाल अब पिछले साल तो स्कूल कम आता था, लेकिन इस बार स्कूल तो रोज आ रहा है, लेकिन पढ़ाई का इसका स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसका दिमाग तेज है लेकिन पढ़ाई में मन। लेकिन पढ़ने में वो सही है, लेकिन वो थोड़ा मेहनत कम करता है। अगर पढ़ाई का उसका घर पे देखा करिए कि थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ाई में दे, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे पूरा करे। नहीं, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, थोड़ा और मेहनत की जरूरत है। और आप लोग पढ़ाई स्कूल में जो पढ़ाई होती है उससे संतुष्ट हो? हाँ मैम, संतुष्ट हैं। तो उसको आप लोग बच्चों को भी, पर क्या है कि घर में जब कहा जाता है कि पढ़ने में और समय दो, तो बच्चे ज़्यादा समय देते हैं। और कुछ होमवर्क जब पढ़ी लिखी हो तुम खुद, तो कि उसकी कॉपी वॉपी देख लिया करो कि क्या होमवर्क मिला है, कर रहा है कि नहीं, और कॉपी देख करके उससे कुछ सुन लिया करो। हाँ मैम, देखते भी हैं, कभी कभी सब बहुत बताते रहते हैं, लेकिन अब पढ़ाई में बहुत कम मन लगाता है। अच्छा, नहीं खैर, स्कूल में ठीक है पढ़ने में, लेकिन जो है बस वही है कि और उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है मैम, आप मेरे से मिले हैं वहाँ पे? अच्छा ठीक, रास्ते में तो वही विशाल की दीदी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर। ठीक है, नमस्ते। आज हमारे विद्यालय यूपीएस लालपुर राजपुर में शिक्षक अभिभावक टिंग टिंग संवाद का आयोजन किया गया है। इससे छात्र उपस्थिति बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। हमारे सभी शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए हैं और अभिभावकों के घर फोन कर करके उनसे फीडबैक लिया गया है, और उनकी उपस्थिति बढ़ाने पर प्लस घर में उनको ज़्यादा फोकस करके पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया है। और मुझे उम्मीद है कि इसका बेहद अच्छा असर पड़ेगा, बच्चे इस पर ध्यान देंगे, अभिभावक इस पर ध्यान देंगे कि हमारे
शिक्षक उस पर ध्यान दे रहे हैं और बाहर को फोन करके फीडबैक ले रहे हैं और बच्चों को भी ध्यान देंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई के लिए दें। इसी के साथ